शिट, तुम्हारा तो खून निकल रहा है। पूरे शरीर का नहीं बह रहा है, छोटी सी चोट है। मंदिर जाना ज्यादा जरूरी है, चलो। पहले मंदिर नहीं, पहले तुम। ठीक है? ठीक नहीं है। हाथ दो मुझे अपना, हाथ दो अपना, शादी के लिए नहीं मांग रहा। ज्यादा बोल दिया ना, तुम भी तो अलग ही हो ना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कोई कुछ भी करे, कुछ बोलती ही नहीं हो, कुछ रिएक्शन ही नहीं देती हो। देयर शुड बी अ रिएक्शन, राइट? तुम्हारे साथ किसी की सगाई हो रही है, तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। तुम्हारे साथ किसी की शादी हो रही है, तुम्हारा कोई रिएक्शन ही नहीं है। वैसे तुम इतनी बोल्ड हो, इतनी बिंदास हो। जब मैं आया था इस शहर में, तुमने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया था। यहाँ तुम्हारी जिंदगी का कोई टायर पंक्चर कर रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं चलता है उमा। वी हैव टू रिएक्ट, राइट? कोई भी अगर सिचुएशन है, कोई भी चीज अगर गलत है, तो वी हैव टू रिएक्ट। हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। मुंह खोलो, कुछ बोलो, डोंट बी क्वाइट। कहते हैं अपने खून की एक भी बूंद जंगल में टपकने नहीं देनी चाहिए। जंगली जानवर मीलों दूर से खून को सूंघ लेते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो मतलब? मेनका कहाँ है? मेनका, मेनका! ऐसे चिल्लाने से मेनका नहीं मिलेगी। हमें लीड मिली है, वो वहाँ पे हो सकती है। चलो हमारे साथ वहाँ पे देखते हैं। वो मुझे नहीं मिली और इनको मिल गई, कैसे? हेलो, अब चलें? चलो। मेनका! Come on guys, तुम्हें लगता है राक्षस ने अभी तक मेनका को छोड़ दिया होगा? No way, अभी तक तो उसे एक बाइक में खा गया होगा। God, please, और टाइम वेस्ट नहीं करते, मेरा पेडिक्योर खराब हो रहा है। घर जाते हैं, अपने आप को बचाते हैं और प्रॉमिस लेते हैं कि आज के बाद रेड कलर कोई नहीं पहनेगा। My God, तुम्हारे आइडियाज तुम्हारी तरह ही बिल्कुल सेक्सी हैं। सुनो बेबी, अगर इस जंगल में तुम्हें कुछ हो गया और हमारा दिल तुम्हारे पास है, तो हमारा क्या होगा? Just shut up. तुम्हारा जो कॉल है ना, चुमोट मारूंगी, सुपर लाल हो जाएगा और ब्रह्म राक्षस को लाल रंग देख के तुम्हें उठा के ले जाएगा। तो shut up और चुपचाप मेनका को ढूंढो। Let's go. Actually, मेनका! मोनिका, where are you? मोनिका, खोतिया, मोनिका नहीं, मेनका है। मेनका, मेनका! और तुम यह फैशन शो करने आए हो जंगल में? हील पहन कर कोई जंगल में आता है? ये आपके देश की मिट्टी है जो मेरे पैर को सूंघते सूंघते मुझे इस सड़े हुए जंगल में लेकर आ गई है। यू नो, अभी मैं लंदन में होती तो वहाँ पर चैटिंग शैटिंग और किसी पार्टी कर रही होती अपनी फ्रेंड के साथ, ड्रिंक्स कर रही होती मैं। राक्षस आ गया ना तो मेरा तो ब्लडी ड्रिंक कर जाएगा, मर जाऊंगी मैं। मेनका के साथ साथ मैं ना सब दामिनी दामिनी चलाते रहना। रॉबिन, संभालो अपनी माँ को यार। मॉम का, मेनका, 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 कहीं देखी? कोई आप लोगों को कहीं देखी? चलो इस तरह देखते हैं।
जाएगा। क्या हुआ मिस्टर वर्धन? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम तीनों मेनका को साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे में अगर उसके साथ कुछ हो गया तो एक काम करते हैं, तुम दोनों मंदिर के अंदर जाओ, मैं बाहर देखता हूँ, इस तरह वो जल्दी मिल जाएगी। अरे लेकिन आप मत जाइए जंगल में, वो शैतान घूमता है। अंकल प्लीज, वो मन से मेनका को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ढूंढने दो, हम एक काम करते हैं, हम मंदिर के अंदर ढूंढते हैं। क्या वो? तुमने भी वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज, कहाँ से आई? अंदर से, आई मीन मंदिर के अंदर से। मुझे तो कोई आवाज नहीं है। अंदर कुछ तो है। तो ठीक है, तुम अंदर देखो, मैं बाहर देख लेता हूँ। ठीक है। कालिंदी, फिर वही आवाज, ये आवाज तो नीचे से आ रही है, मतलब नीचे कुछ है। कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी आ गई, मेरी बेटी आ गई, वो उस गुप्त दरवाजे के पीछे। मेनका मिल गई। अंगद वो, अब जल्दी चलो। मेनका, मेनका, थैंक गॉड तू मिल गई। क्या हुआ तुम्हें? ये मेनका कहाँ मिली? पता नहीं, बस यहाँ पे ऐसी लेटी भी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ब्रह्मराक्षस को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है, ऐसे कुछ हुआ भी नहीं। इट्स जस्ट सो कैजुअल। मेनका, मेनका यू ओके? तुम ठीक तो हो? ब्रह्मराक्षस तुम्हें उठा के लेके गया था, उसने कुछ क्या किया क्या तुम्हारे साथ? बेटा हमारे जानने वाले में से तुम पहली हो जिसे ब्रह्मराक्षस ले गया है, और तुमने उसको देखा, तुम उसे पहचान सकते हो बेटा। हो सकता है तुम्हारे पहचानने से उस राक्षस का अंत, उसके अंत का तोड़ मिल जाए बेटा। अंकल आई थिंक इसे बहुत बड़ा सदमा लगा है, देखिए ना अभी भी कितना शॉक में, मुझे नहीं लगता है कुछ बोल पाएगी। अभी तो क्या, ये कभी कुछ नहीं बता पाएगी। मैंने अपनी शक्ति से इसकी जंगल वाली सारी यादें मिटा दी, इसकी यादों से ब्रह्म राक्षस को मिटा दिया। जब कुछ याद ही नहीं है तो ये मेरा राज क्या खोलेगी, क्या बोलेगी? आप लोग भी ना, अरे ब्रह्म राक्षस की कहानी यहाँ जंगल में लिखनी है क्या? देखो बेचारी कितनी डरी हुई है, और ऊपर से आप लोग राक्षस राक्षस बोल के और डरा रही हो बेचारी को। अरे इसे काम ना हो तो होने दो, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? चलिए घर चलिए, शुक्र मनाओ कि ये मिल गई, और ये सिर्फ हुआ है हमारे दोनों दामादों की वजह से, वरदान जी और अंगद, इसलिए उस राक्षस की भी हिम्मत नहीं हुई कि इसे उठा ले जाए। अरे मेनका तो मिल गई, पर वरदान जी कहाँ गए? रास्ते के सारे कांटे कटते कटते कट गए, मेनका जिंदा लाश ही सही अपने घर वापस चली गई, और उनका विश्वास जो मुझ पर से चला गया था अब वापस आ गया है। कालिंदी मेरी जिंदगी,
अब होगी मेरी मुट्ठी में। अब रास्ते का सिर्फ एक ही कांटा बाकी है और वो है मदन। उसकी जान भी कुर्बान कर दूंगा, हवन में डाल दूंगा और उसके बाद जश्ने रात। ये इंडियन ड्राइवर्स भी ना बिना डस्टिंग मेकअप के नहीं मानते, पूरे कपड़े गंदे करती है। मदन श्रीवास्तव कोमा पेशेंट, रूम नंबर क्या है उसका? सॉरी सर, हम फैमिली मेंबर के सिवा और किसी को भी रूम नंबर नहीं बता सकते। मदन श्रीवास्तव, आज मौत के हवन में तेरी आहुति देने का वक्त आ गया है। कहां चला गया वो? डॉक्टर, मदन श्रीवास्तव आईसीयू में था ना? मिस्टर मदन? यस सर। कहां है? एक्चुअली उनके स्पेशलिस्ट सर्जन ने बोला था उनकी कोमा की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, तो उन्हें क्रिटिक केयर यूनिट में शिफ्ट करना था। मैं चेक करके बताता हूँ सर। हेलो, काम तमाम हो गया? नहीं, ये लोगों ने मदन को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। वैसे ढूंढने में वक्त जाया करूँ? नहीं, उसको बाद में खत्म करना। क्या है? तुम्हारे ससुराल वाले शगुन लेके आ रहे हैं। तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है और मुझे भी तो तैयारियां करनी है। मैं भी जाऊंगी कल शगुन लेके, इसलिए आज कोई गड़बड़ नहीं। इस मदन श्रीवास्तव का कुछ सोचना पड़ेगा। रियली सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे छुपाना पड़ा। अगर वरदान तुम्हें देख लेता तो जान से मार देता, वो तुमसे बहुत नाराज है। मेरी चिंता मत करूंगा, तुम उमा की जान बचाओ। किससे? उसी वरदान से। पर क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया, वो वरदान ही ब्रह्म राक्षस है। पर ये तो तुमने पार्टी में भी कहा था, लेकिन ऐसा प्रूफ तो नहीं हुआ ना? प्रूफ हो जाता भाई, पर उस शैतान, उस ब्रह्म राक्षस वरदान ने कोई ऐसी चाल चली कि उसकी सच्चाई किसी के सामने आ ही नहीं पाई। मैं भी कह रहा हूँ, वही वो वरदान ही ब्रह्म राक्षस है। तुम्हें किसी भी कीमत पे उमा और उसकी शादी होने से रोकना होगा। पर कैसे? वो मैं तुम्हें बताता हूँ। इतने सारे गहने, ये कपड़े, मेवा, मिष्ठान। आंटी जी, क्या जरूरत थी इतना कुछ लाने के लिए? इस शादी का मैं बरसों से इंतजार कर रही थी, और उस इंतजार के सामने ये सब कुछ नहीं है। इस शादी के लिए तो मैं अपना तन मन धन सब कुछ लुटा दूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं आंटी जी, मन और धन तो ठीक है, पर आप तन क्यों लुटाएंगी? मेरा मतलब है, इसकी क्या जरूरत है? वैसे दिवाली के दिन हर बार माँ लक्ष्मी हमारे घर में कुछ ना कुछ तो बरसाती ही रहती है, जैसे आज बरसाया है। मेरा मतलब है आपका प्यार, आपकी सौगात। अरे उमा बेटा, कहाँ जा रही है बेटा? चाची, मेनका को खाना देने के लिए। अरे किसी और को पकड़ा दे। अरे सुनो, यहाँ पे आओ। अरे आंटी जी तेरे लिए कितना प्यार लाई है, जरा देख, यहाँ देख। अरे पैर छू आंटी जी के, पैर छू जल्दी से। होने वाली दुल्हन का श्रृंगार तो उसकी हंसी और मुस्कान होता है। कहाँ है तुम्हारी हंसी? अरे नहीं नहीं आंटी, ये हंसती ही नहीं है, थोड़ी सीरियस टाइप की लड़की है। आप लोगों के साथ रहेगी ना तो ये हंसना सीख जाएगी, है ना उमा? सीख जाएगी ना? तीन
मुझे पता है कि बचपन में दिवाली की रात जो हादसा हुआ था, मम्मी पापा का जाना, उसके बाद से आपको कोई दिवाली पसंद नहीं आई है। लेकिन दी, इस साल आपके चेहरे पे कुछ ज्यादा ही उदासी है। दी, कल एक लड़की की शादी होने वाली है, उसके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पे तो उदासी है। दी, होने वाले दुल्हन के चेहरे पे थोड़ी हंसी, थोड़ी तो खुशी होनी चाहिए ना। हंसी खुशी कहाँ से लेकर आऊँ मिंटी? ये सारे इमोशंस दिल से आते हैं, इन्हें कैसे पैदा करूँ? और तू मेरे एक्सप्रेशंस को इतना नोटिस क्यों कर रही है? मत कर, थोड़ी जगह तो दे दो यार सांस लेने के लिए। दी, दो सांसें क्या, आप चारों क्या, हजार सांसें लो। तो पहले एक सांस लेने के लिए जगह दे दे। एक सांस का तो कुछ समझ नहीं आता दी, हर किसी के ना दिल में वो एक एक हजारों में होता है। वो हमारे दिल पे होता है पर वो हमारे होठों पे नहीं होता। आपके साथ भी दी ऐसा ही हाल है। दी, वैसे छोड़, आपने उसको बताया कि आपके दिल में क्या है, आप उससे प्यार करते हो? क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ? जब से उसकी बहन मेनका जंगल से मिली है, पता नहीं कहाँ गायब रहता है, जहाँ भी देखो दिखता ही नहीं है। ये देखो, ये रही ना दिल की बात होठों पे आ गई ना, अब ये बात होठों पे आ गई है तो इसी होठों से उसको जाके बोल दो। क्या बोलूं, उसे मेरी हर बात मजाक लगती है। अगर मैं उसे कुछ सीरियसली बोलना भी चाहती हूँ तो मेरे मुंह पे हंस देता है, अगर कुछ बोलने का मन भी हो तो सारा मूड खराब कर देता है। व्हाट एन आयरनी दी, आपकी शादी होने वाली है वरदान चौधरी से, लेकिन आपके होठों पे, आपके दिल पे, आपके ख्यालों पे सिर्फ अंगद ही अंगद है, और ना चाहते हुए भी ना दी आपको हर जगह सिर्फ अंगद ही दिखाई देता है। तू अंगद की बात कर रही है? मुझे लगा तू मेरे बारे में बात कर रही है। क्या क्या दी, वरदान की बहन थोड़ी ना है मेनका, वो तो अंगद की बहन है ना। दी, मैंने तो अंगद का नाम भी नहीं लिया, आप ही बोलने लगे थे कि जब से वो जंगल में उसकी बहन मिली तब से आपको टाइम नहीं देता, मिलता नहीं है, व्हाटसोएवर। मिंटी, तू आजकल मेरी बातें बहुत ज्यादा पकड़ने लग गई है। दी, झूठ तो कब से आपने पकड़ के रखा हुआ है, वरदान से शादी, अंगद से प्यार, और सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछा था ना कि आपने उसको बताया अपने दिल की बात, आपने उससे पूछा कि आपको वो प्यार करता है नहीं, लेकिन आपने अपनी बातों को घुमा दिया। दी, छोड़ो, आप बताओ, आपने उसको बोला कि आप उससे प्यार करते, अपने दिल की बात बोली आपने उससे? बताने की कोई वजह नहीं है मिंटी, अब मैं शादी से नहीं बच सकती, ना अंगद मुझे शादी से बचा सकता है। ठीक है, अगर मैं कदम उठाने का सोच भी लेती हूँ, कदम उठा लिया, लेकिन इस बात की गारंटी क्या कि अंगद भी सेम कदम उठा लेगा मेरे लिए, कि वो टाइम पे मेरा साथ देगा? मिंटी, मैं अंगद पे इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती। तो दी, आपको वरदान पे विश्वास है? तो विश्वास छोड़ना मिंटी, तू सच पे जा, और सच ये है कि कल मेरी शादी वरदान जी से हो रही है। ओ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी कार भेज दीजिए। वो क्या है ना, हम ऊपर से भले ही अमीर हों, लेकिन अंदर से बहुत ही सिंपल लोग हैं, तो सिंपल लोग सिंपल कार। हाँ जी, ओ परफेक्ट है जी, परफेक्ट, थैंक यू बाय। पृथ्वी जी, पृथ्वी जी, देखिए मेरी होने वाली उस अजीब समधन ने कितने प्यारे कंगन भेजे मेरे लिए, बहुत भारी है, महंगा होगा है ना? जेवरों के साथ खेलने की आदत डाल लो अब शालिनी। वो कोनी कार का इंतजाम हो गया? हाँ, कर लिया। गाड़ियां बांटने का बहुत शौक है ना उस वरदान को, कल वो एक और गाड़ी बांटेगा, मेरा मतलब है भेजेगा। और वही गाड़ी उसे जेल भेजेगी, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा, क्योंकि जो गाड़ी वरदान के नाम पर आएगी वही गाड़ी कालिंदी को मौत के घाट उतारेगी। बढ़िया, यानी वरदान पे सारा इल्जाम लग जाएगा और वो जेल चला जाएगा, और कालिंदी स्वर्ग में, नहीं स्वर्ग नहीं, नर्क में, और फिर हम जाएंगे लंदन के उस रईस वाले सोसाइटी में जहां हम जैसे रईस रहते हैं, और जल्द ही देखना मैं दामिनी भाभी की तरह लंदन की मेम बन जाऊंगी, और आप इस मेम के हब्बी शब्बी।
to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Colin di beta. मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी दी बहुत सिंपल और सोबर है, उन्हें से सरप्राइजेस नहीं पसंद और ना ही उन्हें सूट करते, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हो। छोटा बच्चा होता तो समझ में आता, काली तो बच्ची थोड़ी ना है। आज पूरी 21 साल की हो गई है, अब कोई इतना ज्यादा घबरा जाए तो फिर क्या बोले। अच्छा ये बातें शाते छोड़ो, केक काट, चल 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 काट केक। अरे दो लो, लो जल्दी करो काटो केक, काटो। Is there? Oh, Ma, what are you doing here? मुझे अंगद से बात करनी है। अरे but you know what? You can clearly see bro is not here. वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ है? Reverse gear. India आने के बाद जो changeover का hangover उन्हें आया था ना, I think वो अब चला गया. So my bro is back. वो अपने कैसिनो अवतार में वापस आ गया। देखो मुझे साफ साफ बताओ कहाँ है वो? उसे बात करना बहुत अर्जेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। I'm telling you, that's not possible. वैसे ब्रो ने मुझे कहा था कि हमारी सिस मेनका का गायब होना, उसके बाद उसका वापस मिलना, फिर वो राक्षस whatever his name, इन सब ने ना ब्रो को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मेस्ड अप हो गई थी, तो ब्रो को एक ब्रेक चाहिए था। सो ब्रो गए हैं दिल्ली, वो भी एक होटल में ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करने विद सम हॉट चिक्स, यू नो व्हाट आई मीन। वैसे यू नो ये ब्रो की रूटीन लाइफ का डेली डोज है और अब उन्हें वो अपना डेली डोज वापस याद आ गया। सो ब्रो तो गए। तुम दोनों भाई नहीं कसाई हो, लंदन से मैं तुम दोनों के यहाँ इसलिए लाया था, सोचा था अपनी धरती पर पैर पड़ेंगे तो थोड़े देसी हो जाओगे, संस्कार मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, तुम दोनों तो लंदन के संस्कार यहाँ उल्टे ले आए हो। बेटा इन दोनों को माफ करना, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो बेटा। नहीं अंकल, मैं अंगद से बाद में मैं चलती हूँ, प्लीज अंगद को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। ये सच है कि यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी बहुत खराब हो गई है, अब उसे प्लीज एंजॉय करने दीजिए। सुनो मेरी बात, उमा के पास ही वो शक्ति है, उस राक्षस को वही मार सकती है। कायनात ने लिखा है, काली माँ ने लिखा है, वो काली माँ की बेटी है, उनकी शक्ति है, उनका वरदान है, उस राक्षस के अंत के लिए वो इस दुनिया में आई है। उसके पास वो शक्ति है अंगद, कोई नहीं जानता, वो खुद भी नहीं जानती, उसे मदद चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ मदन, जो भी करना पड़ेगा ना मैं करूँगा, तुम बताओ मुझे करना क्या। करेगा तो वो वरदान ही, वो शक्तिशाली खंजर जो माँ काली का हथियार है, किसी भी तरह वो माँ को मिल जाए बस, क्योंकि वो खंजर ही है जो उस राक्षस को खत्म कर सकता है, उस ब्रह्म राक्षस को खत्म कर सकता है। पर वो खंजर मिलेगा कहाँ? 16 साल पहले की वो तूफानी रात, वो भूकंप, वो हड़कंप, माँ काली का पूरा मंदिर तहस नहस हो गया था, वहां की दीवारें जो स्तंभ टूट टूट के गिरे हैं वो वहीं की मिट्टी में दफन हो गए। उसी रात काली माँ के बाएं हाथ का वो खंजर भी उस मलबे में कहीं दफन हो गया, वो खंजर माँ काली के मंदिर के आसपास कहीं जमीन में दफन है, मैं नहीं जानता वो कहाँ है, उसे ढूंढना होगा अंगद। ठीक है मैं, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा, अगर उस खंजर को ढूंढने के लिए मंदिर भी जाना पड़े तो मैं जाऊँगा, मंदिर के पीछे वाली पूरी जमीन भी खोदनी पड़े ना तो मैं खोदूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उस खंजर को वहाँ से बाहर निकालूंगा। मैं जानता हूं कि तुम जमीन का सीना चीर कर वो खंजर ढूंढ रहे हो, चीर दो, फाड़ दो जमीन को और खोदते रहो, तब तक खोदते रहो
जब तक तुम्हें वो खंजर नहीं मिल जाता। मां काली लेकर आई है, अब ये मां काली काल को काटने वाला वो खंजर भी तुम्हारे सामने लाएगी। जय मां काली। एला, यहां कोई और भी है? नहीं अंगद, यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं है, और कोई हो भी कैसे सकता है? सुनसान मेरा मां, यहां सिर्फ तू और तेरा ये क्या बोलते हैं इसको कुदल। कुछ तो है मां, मिल गया, शायद वो खंजर मिल गया। कुछ चमक तो रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। यस, आई गॉट इट, मिल गया, खंजर मिल गया। बेटा इतनी सारी ज्वेलरी पहन ली, उतार उतार, रास्ते में कहाँ पहन कर जाएगी बेटा, उतारो। आजकल जमाना बहुत खराब है, अरे गाड़ी से ही भनक पड़ जाती है चोर उचक्कों को, फिर वो गाड़ी तोड़ के सारी ज्वेलरी उठाकर भाग जाते हैं, कभी कभी तो दुल्हन को भी ले जाते हैं। ना बाबा ना, मैं तो अपनी दुल्हन को दाव पर नहीं लगा सकती, पहना तो दूं पर इसकी बोझ तुझसे ज्यादा है। जब तू चलेगी ना, तेरी चाल लड़खड़ा जाएगी, कभी इधर कभी उधर, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तू तो दुल्हन है, इम्प्रेशन डाउन नहीं होनी चाहिए दुल्हन की। छोड़ ना, हम साथ लेके चलते हैं, जैसे ही शादी के वेन्यू में पहुंचेंगे सारी ज्वेलरी मैं तुझे पहना दूंगी। अच्छा अभी चल चल, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे बिंदी लगा, मैं ये लगा देती हूँ, मैं पहना देती हूँ, बिंदी तो लगा। वैसे भी थोड़ी देर बाद लाश तो बननी वाली है, और लाशें जेवर थोड़ी ना पहना करती है, पहना दिए तो तेरे साथ साथ मेरे जेवर भी स्वाहा हो जाएंगे। चल होने वाली लाश। 16 साल के बाद ये रात आई है, उस रात तुम्हारी अमरता की घड़ी गुजर गई थी, पर आज रात जब तक तुम्हारी शादी कालिंदी से नहीं होती और तुम्हें अमरता नहीं मिलती, ये रात गुजारना बहुत मुश्किल होगा। कहना, तुम हो तो ये रात है, तुम हो इसलिए मुझे ये इंसानी शरीर मिला है, वरना मैं उस जंगल में अभी तक कैद रहता, घूमता रहता। आज तो तुम बहुत जच रहे हो, जाओ, तुम्हें तुम्हारी अमरता बुला रही है, और मैं जाऊंगी अपने इस लक्ष्य के अहम मुकाम पर। मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, तो इस खटारा कार में थोड़ी ना जाएगी। बेटा कालिंदी, आप एक अमीर जादे के साथ शादी करने जा रहे हैं, वो वाली गाड़ी उन्होंने भेजी है आपके लिए स्पेशली। हाँ मैं भी आती हूँ, तू कहाँ चली? जब देखो अपनी बहन के साथ 24 घंटे चिपकी हुई रहती है, अरे हमें भी तो चिपकने दे, मेरा मतलब है हमें भी थोड़ा वक्त बिताने दे, पीछे लगती है मेरी, थोड़ा वक्त तो स्पेंड कर ही सकते है ना।
वैसे भी इसके बाद वो चली जाएगी, मेरा मतलब है पराई हो जाएगी। वो अंदर ही बैठ। मिंटी थोड़ा दूर बैठ, मेरा सारा परफ्यूम तेरे ऊपर जा रहा है। ये शादी होंगी और ये पराए होंगे। I wish अंगद तुम मेरी खामोशी को सुन पाते, मेरी आंखों में देख पाते, मेरी दिल की बात समझ पाते। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं पाई तो क्या। कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता है कि तुम जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अरे क्या हुआ यार, लगता है गाड़ी पंक्चर हो गई। इसी वक्त पंक्चर होनी थी गाड़ी को। बाहर जाके देखता हूँ, तुम लोग रुको। मदद लगेगी, थोड़ा बाहर आओ, गाड़ी को पुश करनी होगी। अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ हट्टे कट्टे लोग बैठे हैं। ये है ना तुम्हारी फिट एंड फाइन चाची, हम दोनों कर लेंगे। बेटा तुम्हारा स्पेशल डे है, बैठो बैठो आराम से। हाँ जी हाँ जी, आज का ही तो इंतजार था। मेरा मतलब है आज मेरी बेटी की शादी है तो माँ का तो बनता है ना जोर लगाना। चलिए चल। शादी तो होनी ही नहीं थी, हम तो सच में तुझे धक्का मारने आए थे और मार भी दिया, और इतनी नीचे गिरेगी खाई में कि तेरे चीथड़े भी नहीं मिलेंगे। बाय माँ बेटा, बाय मुसीबत, अब मैं बनूंगी तेरी दौलत की सेठानी। ये ड्राइवर नहीं है, अचानक से गाड़ी कैसे चल रही है? अभी तो बंद पड़ी थी, अचानक से स्पीड कैसे पकड़ रही है? कोई बचाओ, क्या करूं मैं? आवाज बाहर कैसे जाएगी?
जिस शादी के लिए मैंने अपनी जवानी गवा दी, उस शादी को रोकने के लिए इतनी बड़ी साजिश, उस कन्या को खाई में धकेल दिया। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। वो तो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, ब्रेक फेल हो गया था, टायर पंचर हो गया था, पता नहीं कुछ तो हुआ था। हम तो मदद करने गए थे, गाड़ी को धक्का मारा तो गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। हम क्या करें? हमने कुछ नहीं किया। आंटी 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 लगती हूँ मैं, बजा दूँ तुम दोनों की घंटी। तू जड़ बुद्धि औरत। नहीं नहीं नहीं, आप इनको कुछ मत कहिए, आपको पता नहीं है वो बहुत स्मार्ट है, इन्होंने हमें यहाँ से यहाँ कहाँ पहुँचा दिया। जानती हूँ कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये पहुँचने पहुँचाने का खेल 16 सालों से चल रहा है ना, और इस खेल का सबसे बड़ा किरदार मैं हूँ। सब कुछ मेरे सामने हुआ था। ए, ऐसे क्या देख रहे हो, अभी तक नहीं पहचाना मैं कौन हूँ? मैं वही तांत्रिक ज्वालामुखी की पत्नी। जिसको 16 साल पहले तुम लोगों ने धोखा दिया था, मौत के मुंह में धकेल दिया था, उसी पति की पति परमेश्वरी पत्नी मैं। नाम है मेरा कहना, मुझसे बच के रहना। सच कहूं ना तो मन तो करता है कि तुम दोनों को वही खाई में धकेल के मार डालूं, पर 16 साल से जिस शादी का इंतजार किया है, उस शादी में कन्या का कन्यादान करने के लिए माँ बाप की जरूरत तो होती है ना। इसका मतलब है कि वरदान ही ब्रह्म राक्षस वो पागल पंडित का बेटा सच कह रहा था। सच झूठ छोड़, और कन्यादान के लिए माँ बाप का किरदार निभाने को तैयार हो जाओ, वरना तुम दोनों को मौत के मुंह में धकेल दूंगी। अरे रुकी रुकी रुकी, वो तो खाई में चली गई ना नीचे, तो कैसा कन्यादान, कैसी शादी? अरे अरे कौन बचा है? ये आंटी ऐसे क्यों हंस रही थी, कितनी डरावनी लग रही है। अरे आंटी मत कहो उसे, वो औरत नहीं है, काल है, काल खा जाएगी तुम्हें, खत्म कर देगी। मैम मिस मैं बराबर बचा के तो जाओ। अरे हमको कौन को ले जाओ। से गिरा पहाड़ी पेट का अरे मिस टायर पंचर, लास्ट राउंड है, अब तो जवाब दे दो। अंगद तुम अभी भी मजाक सोच रहे, हम कभी भी नीचे गिरने वाले, तुम्हें अब भी अपने सवाल की पड़ी है। यही सवाल पूछने का सही टाइम है, अगर अभी जवाब नहीं दिया तो जवाब देने के लिए तुम रहोगी कहाँ? मुझे लगा था कि तुम मुझसे। मुझसे क्या? कि तुम मुझसे। आगे भी तो बोलो, तुम मुझसे क्या? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? छूट रहा, मैं फिसल जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे छूट जाएगा, मैं छोड़ूंगा तब छूटेगा ना, अब सारी जिंदगी के लिए पकड़ा है, अब छूटने नहीं दूंगा। अरे नीचे मत देखो, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो, वरना डर लगेगा तुम्हारा हाथ छूट जाएगा और तुम गिर जाओगी। माय गॉड, तुम कितनी जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। और उसके बाद आया प्रिंस चार्मिंग फ्रॉम लंदन, सुपरमैन, और तुम्हें बचा।
और बचा लिया। अंगद, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज अगर तुम नहीं होते तो। मैं नहीं होता तो मैं कैसे नहीं होता? अंगद, तुम मेरे सब कुछ हो। Just.